हेलो फ्रेंड्स, गाड़ी का स्टीयरिंग सिंपल, आप घुमाते हैं और गाड़ी हमारी इधर या उधर घूम जाती है। इसके बीच में बहुत सारा मैकेनिज्म काम करता है। आखिर ये कंपनी इसको एडजस्टेबल क्यों नहीं बना देती? कुछ कंपनियां जो बनाती हैं तो उनको कितने एफर्ट्स लगते हैं ये बनाने के पीछे। और हाँ, वो फैक्ट्स जो स्टीयरिंग के बारे में शायद आप पहले नहीं जानते थे, सुनेंगे तो शायद थोड़ी बहुत हैरानी ज़रूर होगी। लेकिन हाँ, इस वीडियो में जो नॉलेज है वो आपके लिए हेल्पफुल ज़रूर होगी, या आज या आने वाले कल में। लेकिन हाँ, आपके पैसे ज़रूर बचाएगी। तो आज मैं बात करने वाला हूँ स्टीयरिंग कॉलम के बारे में। यह है स्टीयरिंग व्हील। स्टीयरिंग व्हील के बीच में यहाँ से जो लगा होता है ये होता है कॉलम, और इससे नीचे जाके जब जुड़ी होगी जो गाड़ी के नीचे, वहाँ लगी होगी स्टीयरिंग रैक, और स्टीयरिंग रैक से आगे आते हैं जॉइंट, जॉइंट जो हमारे मूव करते हैं व्हील्स को। अब ये जो स्टीयरिंग कॉलम है, अब इस व्हील को पावर कहाँ से मिलती है? एक तो आप समझ रहे हैं कि मैं घुमा रहा हूँ, और लेकिन गाड़ी भी पावर स्टीयरिंग है, तो वो पावर कैसे दे रही है? फिलहाल ये जो गाड़ी है ये है हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग यानी कि ईपीएस। ईपीएस काम कैसे करता है, एडजस्टेबल कैसे बनाया जाता है, और कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ सेफ्टी पॉइंट हैं जो आज शायद इस वीडियो में आप जान जाएंगे तो हैरान ज़रूर होंगे। तो चलिए पहले मैं आपको दिखाता हूँ स्टीयरिंग कॉलम, जो कि मैंने एक खोल के रखा हुआ है। ये है एक स्टीयरिंग का कॉलम। अगर मैं इसको इस तरह से खड़ा कर दूँ तो कुछ ऐसे आता है। ये जो मैंने यहाँ पे प्लायर लगा रखा है, यहाँ पे लगा होता है स्टीयरिंग व्हील। मैंने सिर्फ इसको लगा रखा है आपको घुमा के दिखाने के लिए। अब जो गाड़ी का मैंने आपको स्टीयरिंग व्हील दिखाया था वो गाड़ी थी हाइड्रोलिक पावर, लेकिन ये है इलेक्ट्रिक पावर। हाइड्रोलिक पावर और इलेक्ट्रिक पावर दोनों में डिफरेंस क्या है वो कभी आने वाली वीडियो में समझा दूंगा, लेकिन आज इस ईपीएस मॉड्यूल, ईपीएस मोटर और इस कॉलम के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली चीज जो मैं आपको बता दूं इंटरेस्टिंग, ये जो आप लीवर देख रहे हैं, ये लीवर सब जानते हैं कि साहब ये एडजस्टमेंट के लिए होता है। जब हमको स्टीयरिंग को एडजस्ट करना पड़ता है अप एंड डाउन, राइट, ये इस तरह से होता है, कुछ ऐसे होता है। ये लीवर आप रिलीज करते हैं तब ये अप और डाउन होता है, ये देख रहे हैं। तो ये जो फीचर है ये है इसका एडजस्टेबल बनाने का। अब देखिए इसके पीछे कंपनी को एफर्ट्स कितने लगते हैं, जो एक फीचर में गिना जाता है। स्पेशली लोग इसको फीचर में गिनते हैं, गाड़ी के जो गाड़ी आती है वो स्पेशली उसका एडवर्टाइज किया जाता है कि साहब स्टीयरिंग एडजस्टेबल है। तो स्टीयरिंग एडजस्टेबल बनाने में कंपनी को कितने एफर्ट लगते हैं, सिर्फ एक ये मैकेनिज्म एक अलग से लगाना पड़ता है, जिसमें कि ये स्लॉट्स कटी हुई हैं जिसको कि लॉक और अनलॉक किया जा सकता है। जिस पोजीशन पे चाहें उस पोजीशन पे लॉक कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत, जितना भी आपने देखा होगा एडजस्ट कर पाते हैं हम लोग। तो सिर्फ ये एक मैकेनिज्म है जो इसको एडजस्टेबल बनाता है, और यहीं पर अगर एडजस्टेबल नहीं होता तो सिर्फ एक जगह पर ये फिक्स होता। ये स्लॉट्स जो दिख रहे हैं ना, ये स्लॉट्स नहीं होती और ये लीवर नहीं होता। सिर्फ इतनी सी कोशिश कंपनी को करनी पड़ती है एडजस्टेबल बनाने के लिए। अब एक चीज, ये जो ब्रैकेट देख रहे हैं आप, ये ब्रैकेट ये होता है गाड़ी के बॉडी में माउंट। ये जो ब्रैकेट देख रहे हैं यहाँ पे बोल्ट टाइट होते हैं और ये माउंट होता है फिक्स होने के लिए। ये फिक्स रहता है, स्टीयरिंग को ऊपर और नीचे किया जाता है। अब एक इसमें आप अलग से ये ब्रैकेट देख रहे होंगे, एक तरफ ये और एक तरफ ये, इस तरह से। शायद कुछ लोग इसके बारे में पहले जानते होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं कि ये जो ब्रैकेट लगे हुए हैं ना, ये स्पेशल ब्रैकेट लगे हुए हैं, ये कोई आम ब्रैकेट नहीं है। इनकी खासियत क्या है, नॉर्मली पार्ट्स की खासियत क्या होती है कि ज़्यादा ड्यूरेबल हो, टूटने नहीं चाहिए, मजबूत होने चाहिए, लेकिन इसकी खासियत ये है कि ये टूटने वाला है, इसीलिए स्पेशल है। अब टूटने वाला क्यों है वो बता देता हूँ। ये ब्रैकेट जब माउंट होगा, स्टीयरिंग लगा होगा, स्टीयरिंग लगा हुआ होगा, उस कंडीशन में कभी अगर एक्सीडेंट की कंडीशन बनती है, गाड़ी अगर आपकी एक्सीडेंट होती है, तो एक्सीडेंट होने के बाद ड्राइवर क्या होता है, सडनली आके स्टीयरिंग पे टकराता है, उसने अगर कभी सीट बेल्ट ना लगाई हो तो। अब सीट बेल्ट नहीं लगाई है इसलिए ये स्टीयरिंग पे टकराएगा, तो स्टीयरिंग पे ड्राइवर की चेस्ट डैमेज हो सकती है। तो अगर ये बिल्कुल फिक्स होगा, बिल्कुल लोहे की तरह, तो जाहिर सी बात है 100% चेस्ट डैमेज होनी ही होनी है। लेकिन यहाँ पे जो ब्रैकेट है ये टूटने वाले होते हैं, जब कभी इसके ऊपर ऐसा लोड आएगा, प्रेशर आएगा, तब ये ब्रैकेट टूट जाएंगे और ये स्टीयरिंग थोड़ा सा पीछे चला जाएगा। मतलब जो इम्पैक्ट था ड्राइवर की चेस्ट से लगा था स्टीयरिंग पे, वो इम्पैक्ट कम हो जाएगा और इंजरी के चांस कम होंगे। तो इसीलिए ये स्पेशली यहाँ पे ब्रैकेट लगाए जाते हैं। शायद कुछ लोग जानते होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जानते हो तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप इस बारे में पहले जानते थे या नहीं जानते थे। एडजस्टेबल क्या है और इसका सेफ्टी फीचर क्या है, दो चीज़ें मैंने आपको बता दी। काम कैसे करता है ये एक बार बता देता हूँ। ये देख रहे हैं आप, रॉड लगी है, यहाँ पे हमारा माउंट होता है स्टीयरिंग व्हील, यहाँ स्टीयरिंग व्हील माउंट होगा, और जब हम इसको घुमाएंगे, स्टीयरिंग व्हील को घुमाएंगे, तो पावर कहाँ आती है, यहाँ नीचे। एक बार घुमाता हूँ, ये देखिए, ये मैं घुमा रहा हूँ तो
तो ये बराबर घूम रहा है, लेकिन अब इसमें पावर क्या है? मैं इसको घुमा रहा हूँ और सिंपल ये घूम रहा है, तो फिर पावर का इतने सारे सिस्टम का फ़ायदा क्या? वो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। इसको कर देता हूँ सीधा। अब ये समझ लीजिए ये काम कैसे करता है, ज़रूरी है, स्किप मत कीजिए। अगर समझ जाएंगे तो आने वाली प्रॉब्लम को समझ पाएंगे और बेवजह आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बनाएगा, कंपनी नहीं बोलेगी कि साहब ये बदल दीजिए और वो बदल दीजिए। कई बार बहुत सारा सस्पेंशन का काम करा लेते हैं लेकिन नॉइस नहीं जाती है, वो नॉइस यहाँ की होती है। ये है स्टीयरिंग का कॉलम, तो इस कॉलम की नॉइस को भी समझ लीजिए कैसे होती है और क्या होती है। काम कैसे करता है शॉर्ट में समझा देता हूँ। ये हमने यहाँ से पावर दी, स्टीयरिंग व्हील घुमाया, पावर यहाँ आई, यहाँ से पता लगा इस सेंसर को साहब कितनी पावर ड्राइवर को चाहिए, वो आपके स्टीयरिंग के मूवमेंट से, स्टीयरिंग के टॉर्क से पता लगाएगा इतनी पावर चाहिए। अब ये है इसका एक डिवाइस, जैसे हमारे इंजन में ECM होता है जो पूरे इंजन को कंट्रोल करता है, उसी तरह से पूरे स्टीयरिंग सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए यह है स्टीयरिंग मॉड्यूल, EPS मॉड्यूल ऐसा भी इसको बोल सकते हैं। तो अब इस EPS मॉड्यूल को पता चला कि साहब ठीक है, ड्राइवर ने इस तरफ स्टीयरिंग घुमाया है और ये इतनी पावर मांग रहा है। अब यहाँ से ये सारे सिचुएशन को कैच करता हुआ इस मोटर को करंट पास करेगा, ये लगी है EPS मोटर, स्टीयरिंग मोटर, EPS मोटर, जो भी आप कह लीजिए। अब स्टीयरिंग मोटर उतना ही टॉर्क, उतना ही पावर इसको देगी इस रॉड पे, ताकि ये स्टीयरिंग मूव हो पाए इस तरह से। इन शॉर्ट आपने जो यहाँ पावर दी, सिर्फ इतनी पावर दी ताकि इसको पता लगे कि हाँ जी इधर घुमा रहे हैं या फिर इधर घुमा रहे हैं, बाकी का काम इस मोटर का होता है। ये मोटर पावर देती है आगे स्टीयरिंग को। अब यहाँ से एक क्रॉस जोड़ा होता है, यहाँ पे एक यूनिवर्सल जॉइंट इसके आगे होगा और वो नीचे जाके स्टीयरिंग रैक में लगा होगा, जो स्टीयरिंग रैक पहले भी मैं दिखा चुका हूँ। तो फिलहाल ये थी इसकी वर्किंग, जो आप समझ गए बिल्कुल इजी वर्ड्स में। अब इसमें खराबी क्या क्या आती है ये देख लीजिए। अब कई बार ऐसा होता है कि हमारा स्टीयरिंग हम जितना घुमा रहे हैं हमको हार्ड फील हो रहा होता है। आपने देखा होगा स्टीयरिंग बहुत हार्ड लग रहा है, प्रॉब्लम ये है कि स्टीयरिंग हार्ड लग रहा है। स्टीयरिंग हार्ड लगने का फंडा बिल्कुल सिंपल है, या तो ये मॉड्यूल काम नहीं कर रहा है या तो ये मोटर काम नहीं कर रही है, दोनों में से कुछ एक इशू है, इस वजह से ये हार्ड लग रहा है। यानी कि सिर्फ आप अपनी ही पावर से उसको घुमा रहे हैं, ये मोटर अपनी पावर नहीं दे रही है। या तो इसमें फॉल्ट होगा या तो इस मोटर में फॉल्ट होगा, दोनों में से कोई एक। अब इसके अलावा एक कॉमन प्रॉब्लम जो आती है, जो हमको ऐसा लगता है कि रफ रोड पे एक खड़खड़ खड़खड़ की नॉइस आ रही है, खड़खड़ाहट की नॉइस, लोग उसकी वजह से पूरा सस्पेंशन चेंज करा लेते हैं। सस्पेंशन चेंज करने के बाद पता चलता है नहीं साहब इसमें नहीं था, फिर वो स्टीयरिंग रैक चेंज करा लेते हैं। स्टीयरिंग रैक चेंज कराने के बाद भी लोगों को मैंने देखा है कि साहब प्रॉब्लम वैसे ही है। प्रॉब्लम कहाँ थी? प्रॉब्लम यहाँ थी। लेकिन इसकी जो नॉइस होती है, कई बार आप अगर टेस्ट ड्राइव में देखेंगे तो जल्दी समझ में नहीं आती है, इसकी वजह से भी नीचे स्टीयरिंग में खड़खड़ाहट आ सकती है। अगर इस कॉलम में प्रॉब्लम होगी तब भी नीचे खड़खड़ाहट की नॉइस आ सकती है और ऐसा लगेगा जैसे कि कुछ लूज है। कई बार ऐसा भी प्रॉब्लम आती है कि आपने स्टीयरिंग को घुमाया और कुछ घिसने की आवाज़ आ रही है, जैसे कि यहाँ से आ रही है, देखिए ये एक्चुअल में गियर्स की आवाज़ है, लेकिन ये आवाज़ बढ़ चुकी है। क्यों? क्योंकि इसमें लगे हुए बैरिंग ये हो चुके हैं ख़राब, इस वजह से इस कॉलम में नॉइस आ रही है। तो ये अगर नॉइस आती है तो ये इसकी प्रॉब्लम है। स्टीयरिंग हार्ड चल रहा है तो मोटर की प्रॉब्लम है या फिर इस EPS मॉड्यूल की प्रॉब्लम है। तो अभी आप जान गए होंगे कि हमारा ये स्टीयरिंग काम कैसे करता है, पावर कैसे मिलती है और क्या इसके वर्किंग प्रिंसिपल हैं। प्रॉब्लम आती है तो किन चीज़ों में आती है और किस तरह की प्रॉब्लम होती है, कंपनी को इसको एडजस्टेबल बनाने के पीछे कितने ज़्यादा एफर्ट लगते हैं वो भी आपके सामने आ गए। एक सेफ्टी फीचर जो हिडन होता है, बहुत जल्दी कोई बताता नहीं, वो भी मैंने आपको बता दिया। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अभी भी मन में कुछ सवाल बचा हुआ है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर अगर चाहें तो इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।